हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोगों ने एक ये मंगवाया है फ्लिपकार्ट से एक कटिंग मैट, तो हम लोग देखते हैं ये किस प्रकार का है और किस तरह का इसमें आइटम निकलता है। तो मैं आप लोगों को ये पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार का आइटम है ये। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और ये हमें आज ही डिलीवर हुआ है। इसका MRP जो है 1250 रुपये इसका कॉस्ट आया है। तो इसको चलिए करते हैं हम अनबॉक्सिंग और देखते हैं, आपको भी दिखाऊंगा इसमें किस प्रकार की क्वालिटी है और किस तरह का ये आइटम निकलता है। दोस्तों इसको हम अनबॉक्स करते हैं और पूरा आपको इसके बारे में हम बताऊंगा किस तरह से है और क्या कटिंग मैट होता है, जो हमने बहुत सारे वीडियोज में और में देखते होंगे कि ये ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड में नीचे रफ लगाते हैं और उसके ऊपर हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये निकला है, इसके अंदर पूरा बढ़िया डिज़ाइन में होता है ये, और ये हमें बताया गया है 5 लेयर है और इसके ऊपर अगर ये इस तरह से हम कितना चला दें तो ये कटेगा नहीं, कट भी जाएगा लेकिन ये ऑटोमेटिक जो थोड़ा सा अगर स्क्रेच इसके अंदर लगेगा वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, इस तरह का इसके अंदर बताया गया है। रिव्यू और देखें हमने काफ़ी अच्छा बताया है और ये चलिए तो भी हम इस कार्टन को करते हैं साइड में, इसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल में आपको। और तो आप लोग ये देख सकते हो इस प्रकार से, ये देख सकते हो आईजोन कटिंग, आईजोन प्रोफेशनल कटिंग मैट A1 सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग का मतलब होता है इसके ऊपर अगर कट लग गया तो ऑटोमेटिक ये रिकवर करके और सही हो जाएगा। तो इसको हम पूरा आपको दिखाऊंगा, इसको साइड में रखते हैं और इसकी इसके अंदर कॉस्ट भी होगी शायद 1250 रुपये मेरी इसमें कॉस्ट आई है। इसको साइड में करते हैं और इसको निकाल के हम इसका पूरा रिव्यू देखते हैं किस प्रकार से है ये। तो ये जो मैंने मंगाया है ये बड़ा साइज का है, तो मुझे चाहिए था टेबल जो मैंने लगा रखी है, टेबल भी आने वाला फुल साइज का चाहिए था। और इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, अगर इसके ऊपर हम कुछ भी रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिसलेगा नहीं और अच्छी ग्रिप वाला है। हम इसको निकालते हैं फटाफट और इस टेबल के ऊपर लगा के दिखाऊंगा किस प्रकार का ये आइटम है। काफ़ी वजन है दोस्तों इसमें, इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको, है नहीं ये रबड़ है एक प्रकार का जिसमें बेल्ट वगैरह आते हैं इस टाइप का, मेरे को लग रहा है इसमें आर्टिफिशियल लेदर होता है उसी टाइप का, ये इसमें रबड़ है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार हम लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये जो मेरे पास जो टेबल है एक, इसकी साइज का है, इसकी साइज है वो है 32x23 इंच, 32x23 का ये साइज है इसका। तो ये तो टेबल से इसके ऊपर लगभग आ गया है पूरा, मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए स्ट्रेस नहीं लग रहा है इसके ऊपर, काफी बढ़िया है। हम दोनों तरह से अगर काफी टाइम अगर इस तरफ यूज ले लिया तो हम इस तरफ से भी ले सकते हैं, देखिए इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, दोनों तरफ से। अभी थोड़ा प्रोफेशनल टाइप बढ़िया लग रहा है मेरे को, इस पर अगर काम करेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मैं आपको पूरा नज़दीक से थोड़ा और डिटेल दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये है लेवलिंग नेक्स्ट लेवल इन आर्ट एंड क्राफ्ट कटिंग मैट 900x600mm A1। ये A1 साइज का है दोस्तों, A1 A3 A4 काफ़ी तरह की साइज आती है, इसमें से ये A1 साइज का कटिंग मैट है जिसके ऊपर कुछ भी कटिंग करे तो काफ़ी इजी रहता है, काफ़ी आसान इसके ऊपर है। तो टेबल पे ये ग्रिप काफ़ी अच्छा ग्रिप है इसके ऊपर, ये आसानी से कुछ स्लिप नहीं करा, जैसे ये फैंका ये देखो, अगर तो टेबल पे होता तो ये पूरा नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है, ये काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसकी। तो ये बढ़िया आइटम है, आप अगर मंगवाना हो तो इसमें मंगवा सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप प्रोफेशनल कटिंग का कुछ इस तरह का अगर काम में लेते हो तो इसके ऊपर अगर कुछ गिर जाए तो आसानी से नहीं गिरेगा। तो आपको ये कैसा लगा रिव्यू,
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हम अगले कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ।